यहां से अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। क्रिप्टो करेंसी का बाजार काफी ज्यादा गर्म रहता है, जब भी देखते हैं अगर मंदी आती है तो बहुत जोरदार की मंदी आती है और अगर तेजी आती है तो शानदार तेजी आती है। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में डिजिटल रुपए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि RBI वित्त वर्ष 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको CBDC यानी कि डिजिटल रुपए भी कहा जाता है, इसको रोल आउट करेगी वित्त वर्ष 2022-23 में। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक डिजिटल रुपए को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह सरकारी वर्चुअल करेंसी होगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से डिजिटल रुपए को जारी किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल रुपए के जारी होने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। यह RBI की अपने तरह की वर्चुअल करेंसी होगी। डिजिटल रुपया वर्चुअल मनी होगी जो हार्ड कैश की जगह लेगी। सरकार ने ऐसे वक्त में डिजिटल रुपया जारी करने का ऐलान किया है जिस वक्त में मार्केट में कई प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। हालांकि इस बार के बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी समेत प्राइवेट करेंसीज को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं जारी किया है, लेकिन प्राइवेट करेंसी से कमाई पर टैक्स जरूर लगा दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। साथ ही वर्चुअल निवेश में घाटा होने पर भी सरकार टैक्स वसूलेगी। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी क्रेज घटेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाना प्राइवेट करेंसी में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें कि केंद्र सरकार और RBI की तरफ से पहले ही प्राइवेट करेंसी में निवेश को लेकर आगाह किया जाता रहा है। साथ ही बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से TDS काटने का ऐलान भी किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा। और वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार भी अपनी वर्चुअल रुपया यानी कि डिजिटल मनी लॉन्च कर देगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल रुपया आने से, डिजिटल करेंसी आने से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचेगा और इससे एक लाभ ये भी होगा कि ये अपनी ही तरह की एक सरकारी डिजिटल करेंसी होगी, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सरकारी डिजिटल रुपया होगा, सरकारी डिजिटल करेंसी होगी। ये कोई भी अन्य प्राइवेट या कोई दूसरी तरह की कोई भी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगी, लेकिन अब भारत की भी डिजिटल रुपया अब बहुत ही जल्द देखने को मिल पाएगा। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।